और चलिए आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कुशीनगर से यह बड़ी खबर, 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। 7 साल की मासूम बच्ची के साथ बुजुर्ग ने दुष्कर्म किया, तो एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार करने का ये पूरा मामला। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर राहगीर पहुंचे, राहगीरों ने रंगे हाथ बुजुर्ग को पकड़ा है। घर से गायब बच्ची को ढूंढते हुए मौके पर परिजन भी पहुंच गए। उग्र भीड़ से बुजुर्ग आरोपी को बचाकर थाने पुलिस लेकर गई है। पूर्व ग्राम प्रधान का भाई ये बुजुर्ग बताया जा रहा है। तो एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार करने का ये पूरा मामला, जहां एक बुजुर्ग ने एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। बच्ची जब रोने लगी और उस दौरान राहगीरों ने देखा और रंगे हाथों इस बुजुर्ग को पकड़ा है, जिसके बाद पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। ग्राम प्रधान का भाई ये बुजुर्ग बताया जा रहा है। कुशीनगर का ये पूरा मामला, जहां बच्चे के रोने की आवाज सुनकर राहगीर पहुंचे, राहगीरों ने रंगे हाथ बुजुर्ग को पकड़ा है। तो एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार करने की ये खबर, ये दुखद खबर, जहां घर से गायब बच्ची को ढूंढते हुए परिजन भी पहुंचे हैं। उग्र भीड़ से बुजुर्ग आरोपी को बचाकर थाने पुलिस लेकर के गई है। पूर्व ग्राम प्रधान का ये आरोपी बुजुर्ग भाई बताया जा रहा है। आज सहनपुर जनपद कुशीनगर के थाना अड्डा के ग्राम चतुर छपरा में एक 7 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ एक व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी व्यक्ति करीम उल्ला सनाब रज्जाक उम्री करीब 60 वर्ष को हिरासत पुलिस में लिया गया। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत, वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। शीघ्र ही विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण कराकर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित कर अभियुक्त को कठोर से कठोर सजा दी जाए।